उनके छींटे मुझे स्वर्ग आए। मेरे भैया को कोई जंगली जानवर खा डाला। भैया तेरे भैया कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगा भैया। मैं तुमसे कुछ कहूँ
मेरी बात को बड़े बड़े मारोगी। मामा जी अगर आप अच्छी बात कहेंगे तो मैं आपकी बात क्यों बुरा मानूंगी? क्या नहीं, मैं अच्छी ही बात बोलूंगा, तुम्हारे हित की बात बोलूंगा। सुनो मेरी बात। इसके गले में फांसी का फंदा उठा दे दुनिया से। फांसी का फंदा
Yeah!
सही मानेंगे हमारे बच्चा यादव जी। ये आगे हमारे पटेल यादव और महेंद्र यादव कहा पुरस्कार करते हैं कहा मेरी बहन को कुछ कहा तो घर को सारा कहेगा ये भी नहीं कहीं ना कहीं बड़ी जान गवा के सारे काटे साफ पचे गरम रखना उसकी देख रेख अच्छे ढंग से करना जब मौका से आ जाए तो सारी निरासत अपने नाम लिखवा लेना उसके बाद फोन करके मुझे बुलाना मैं आऊंगा और सारी संपत्ति यहाँ भेज कर यहाँ से चले चलेंगे। चलने के बाद एक अच्छा सा नौजवान लड़का ढूंढ कर मैं तेरे दूसरी शादी कर दूंगा उसके बाद अपनी शादी के बाद में सोचूंगा। शादी हो गई है पागल हो गई हो उनका घर उजाड़ना चाहती है उनकी शादी हो गई है और क्या ये लाल शर्ट वाले कैमरे के साथ करवा देना। कोई बात नहीं मैं जा रहा हूँ अपना ख्याल रखना और उसकी देख रेख हम रखना चाहिए।
राज्यों की कंटेनर से ड्राइवर साहब, ये भाई साहब राजस्थान चिरकुट्टी चौराहा चढ़कर आए हैं। मैं आए पगला रे, ये तुम्हारे लिए कई और बढ़िया सुनाए दे। Thank you.
ये छोटा सा बच्चा ये 20 रुपए का पुरस्कार रखा फरमाया पार्टी की तरफ से कुर्सा धन्यवाद। भैया आप जानना चाहते हैं ना कि मैं फूल लेकर माला लेकर किसकी पूजा करने जाता हूँ और क्यों जाता हूँ? भैया मेरा भी एक हरा भरा परिवार था और मेरी भी एक पत्नी थी जिसका नाम चांदनी था भैया, लेकिन क्या बताओ भैया हमारी सौतेली माँ के कहने पे बाबूजी हम दोनों भाई को जान से मार देना चाहा, इसलिए भैया हम दोनों भाई किसी तरीका अपने जान बचाकर घर से भाग निकले और भागते भागते हम दोनों अचानक जंगल में पहुंचे और वहीं पर मेरे पेट में दर्द हुआ और मैं वहीं गिरा बेहोश हो गया भैया। इसके बाद मैं ये नहीं जानता कि मुझे यहाँ पर कौन लाया और मेरा भाई कहाँ गया, इसीलिए इस माँ भवानी के मंदिर पर मैं पूजा करने आता हूँ कि अगर माँ भवानी की कृपा होगी एक दिन एक न एक दिन मेरी पत्नी चांदनी से और मेरे बंधन भाई से जरूर मुलाकात होगी। भैया तो कहने का मतलब तुम्हारा नाम चंदन है, तुम्हारे छोटे भाई का नाम बंधन है और तुम्हारी पत्नी का नाम चांदनी है, लेकिन तुम्हारी सरकारी माता देवे पर तुम्हारे पिताजी तुम दोनों भाई को जान से और तुम दोनों भाई घर छोड़ करके निकल पड़े, रास्ते पहुंचे जंगल में जहाँ पर तुम बेहोश हो गए और तुम्हारा भाई तुम्हें छोड़ करके घर लाने के लिए गया, उसके बाद तुम्हारे भाई से तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई, इसीलिए माँ भवानी के मंदिर पर जाते हो पूजा करने के लिए कि माँ की कृपा हो जाए तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे भाई से तुम्हारी मुलाकात हो जाए। तो ठीक है, जैसे माँ की पूजा करते हो अगर इसी तरह से माँ की पूजा करते रहोगे तो एक न एक दिन तुम्हारी पत्नी से और तुम्हारे भाई से तुम्हारी जरूर मुलाकात हो जाएगी, लेकिन इतना ध्यान देना पूजा करने के बाद अच्छे पे आ जाना, मैं भाई तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है भैया आज चलिए, मैं पूजा करने के बाद अड्डे पर आ जाऊंगा।